यही सिख लोग अगर पाकिस्तान दे विच अज हुंदे इत्थे भी कोई इस तरह का काम करते यार मैं कहना कि लोगों ने इन्हों सिर ते चुक लेना सीगा एड्डी ज़्यादा खुशी होगी। मशीनरी चैक करो ये ऐसी है भी VIP इस तरह की मशीनरी मैं कहना कि इंडिया नहीं पूरे एशिया दे विच इस तरह की मशीनरी किते पासे है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो गए। टाइटल से देख लिया होगा, टाइम आप बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। किडनी होस्पिटल तैयार होया दिल्ली दे विच, एशिया का सब तो वड्डा किडनी होस्पिटल तैयार होया, इलाज फ्री होएगा। तैयार किने किया? तैयार आतंकवादी ने किया। आतंकवादी का असला चैक करने, आतंकवादी दियाँ आप मशीन चैक करने कि उन्होंने को बड़िया मशीन वै। सो पहले तो आप वीडियो देखने तो उस बाद आप कलेक्ट करने हैं। वट्सअप आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं, फेसबुक आते हैं। फेसबुक से जो मेरे पेज में लाइक करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए, गो। खुशी हुई होगी जो तुम देख रहे हो गए पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी के नाम से पहला ब्लॉक शुरू होया, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाम से हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर। और तुम्हें मैं दसना चाहना है बहुत जल्दी, जिमें पहले 2019 नवंबर अंदर यह अरदास की, उस तो बाद ही कोविड आ जाता है, पूरा 20 कोविड निकल जाता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर अपने सेवकों तरस किया, उन्हों की चिंता बन गई सी, गुरु साहब की चिंता बनी हुई सी कि मैं अपने सेवकों की पत्त किवें रखनी आ। सही गल है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, जदों मेरा मालिक कृपा कर दे फिर आपे लहरां बैरां हो जांदियां। अज मेरे निजी तौर पर भी और सारे सिख पंथ वास्ते भी बहुत प्रसन्नता का बड़ा खुशी का दिहाड़ा है। वो महान गुरु घर जो बाला प्रीतम जी के चरण छुआ गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के उत्थे स्थित ये बाला साहब हॉस्पिटल जो तुसी देख रहे जे लंबे समय तो जिहड़ा खंडर हो गया सीगा, तां तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र स्थान पर आ उही हॉस्पिटल आ जिहनूं तुसी खंडर देखदे सी। अज गुरु ने कृपा कीती आ, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जदों सतगुरु अपनी सेवा दे अंदर देखदा सिख नूं लग्गिया ते फिर सतगुरु आप सहाय हुंदा। आ देखो इहो ही हॉस्पिटल अज पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी दे नाम दे उत्ते ये हॉस्पिटल शुरू हो गया। मैं तुहानूं दिखाउणा चाह रहा आ हॉस्पिटल दी रिसेप्शन। ओहो आ देखो रिसेप्शन, गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, बहुत आलीशान गुरु नानक देव पातशाह जी दी रहमत सदके पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी ने बहुत बड़ी महान सेवा की, टोकरी चुक के संगतां ने बहुत बड़ा योगदान पाया और इंतजार कर रही सी क्योंकि बाबा जी के मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको लैके चिंता रही सी कि कदों हॉस्पिटल चालू होगा। देखो गुरु की किड्डी कृपा हो गई, संगत जी आप जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद। हथियार चेक करो, हथियार सेवक को सेवा बनियाई, ये मेरे मालिक ने आप कृपा की आ, सेवा आप ली आते वड्याई अपने सेवादारा झोली पाई आ। साड़ी कोई हैसियत नहीं हैगी कि ये जो मेरे वाल देखता है तो जो मैं अपने वाल देखता है मैं कहना देखो मालिक की किड्डी कृपा है कि महाराज ने सेवा भी ली आ और इस तरीके की सेवा ली आ। आ देखो ये सारा जो तुसी देख रहे जे ये इलैक्ट्रिक चेयरस ने, इत्थे जिथे बंदा अपना इलाज कराएगा उत्थे गुरबाणी नाल भी जुड़ेगा। ये देखो ये गुरसिखां दी सेवा है जिहड़ी अज दुनिया च देखी जा रही है। अज जिहड़ा भी इत्थे टीवी चैनल आ रहा, मैं जिवें तुहानूं पहलां भी कहा सी कि सारे नैशनल चैनल आ के सिखां दी आरती उतारणगे, उन्होंने वधाई देंगे और फिर कहेंगे एक बार मजबूर हो जाएंगे कहन नूं भी यार जो भी कहो सेवा सिखां नूं ही करनी आउंदी आ। तो अज तुसी ये जो देख रहे जे इस तो बाद ये दूजा ब्लॉक शुरू हो जाता है जिथे ये प्राइवेट रूम्स ने। मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा ये जिहड़ा कोई बीमार आ किसी नूं कोविड का कोई बीमारी आ उन्हां दे वास्ते इस तरह के प्राइवेट रूम्स तैयार किए गए हैं।
कोई एच आई वी का पेशेंट आ, उन्हूं उदा इलाज होना है, उदे वास्ते अलग तो आ। कोई हाइपेटाइटिस बी का पेशेंट आ, उदे वास्ते अलग तो आ। ये सारे प्राइवेट रूम्स ने और यार मैं सारे, सारे, मैं कि निजाम चेक करो कैसे 101 बेड का ये देश का ये पहला देखो गुरु की किड्डी कृपा है। गुरु साहब की किड्डी कृपा है, ये रहमत बख्शिश है गुरु की। जिन्ना धनवाद करिए गुरु साहब का, जिन्ना धनवाद करिए मेरे मालिक का, उन्ना ही थोड़ा है मेरे वीरो। अपन रोज बदनाम करते खालसा जी, सानू कहिंदे सीगे ये देश द्रोही ने, कुछ शरारती लोग, शरारती चैनल आ देख लो आतंकवादी ने, कभी सिख मानवता के खिलाफ काम कर ही नहीं सकता। और मैं तुम्हें भी दस दिया, बड़ा फक्र महसूस कर रहा, सारे सारा फ्री आ, किड़ियां-किड़ियां बढ़ियां ने। इस दे अंदर कोई भी एक भी पैसा जेड़ा नहीं चार्ज किया जाऊगा, ये सारा कैशलैस काउंटर है। ये कोई काउंटर ही नहीं है जिस पैसा लिया जाए, बिलिंग सेंटर ही नहीं है, बिलिंग का ही नहीं है ये अंदर, आ रिसेप्शन है ये। सो गुरु साहब की कृपा हुई है, बहुत बख्शिश है मेरे मालिक की। अज देखो ये महापुरखों के सदके, बाबा जी के सदके ये सारी कृपा हो रही है। सो संगतो जरूर इस वीडियो में शेयर करो जे, और लोगों को दसना करो जे कि सिख की आ, सिख की सोच की आ, कितना सिख सेवा करता है और किस तरीके वो मन के अंदर सेवा के प्रति भाव आ। सानू बड़ा दुख सगा, बड़ा अफसोस से और गुस्सा सगा जो असं देखते सी टीवी चैनलों पर कितना सानू बदनाम किया जा रहा है, साढ़े दस्तार नू बदनाम किया जा रहा है। मैं बहुत जाके टीवियां ते लड़दा सी, पर मैं कभी कभी ये महसूस करता सीगा भी साढ़े जिहड़ा तक्का हो रहा ना वह जरूरत तो ज़्यादा है। और फिर मैं उदों ही सोचता सी कि जदों गुरु की कृपा होगी, जो सेवावां फिर लोग देखणगे ना, जिवें कोविड के अगे नतमस्तक हुंदे सी, इन्हां नू नतमस्तक होना पऊगा। अज उह दिहाड़ा आ गया, गुरु ने कृपा कर दित्ती। सो गुरु साहब की कृपा अपने सिखां ते बनी रहे, ये मेरे मालिक का तरस बनिया रहे। असी इस काबल नहीं है, असी तो अपना एक आदमी ने अपना कमरा भी एक छतना हो भी रब के अगे सौवरना अरदास करता है, असी इस काबल किवें हो सकते हैं कि इन्नी वड्डी सेवा कराए साढ़े तो मालिक। ये दाते की कृपा है, मालिक ने आप मोढ़ा दे के सेवा कराई है, तो वड्याई अपने सेवकों की झोली पाई है। तो उसमें मालिक का कोटान कोट धनवाद करता है, जिस मालिक के अगर अरदास की गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के दर के उत्ते भी गुरु साहब जदों 400 साल असी आप जी का दिहाड़ा मनाईए, उस तो पहले हॉस्पिटल चालू हो जाए। 2019 नवंबर अंदर अरदास की, उस तो बाद नाल दी नाल ही कोविड आ जाता है, पूरा 20 दा कोविड च निकल जाता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर अपने सेवकों तरस किया, उन्होंने चिंता बन गई सी, गुरु साहब की चिंता बनी हुई सी कि मैं अपने सेवकों की पत्त किवें रखनी आ, किवें मैं चालू करना है। तो देखो अपना दिमाग, इस करके मैं हमेशा कहना है समर्पित कर दो गुरु के चरणों के अंदर। कोई अपनी बुद्धि दे नाल काम करने की कोशिश ना करो, कोई अपनी चतुराई ते वड्याई ना देखो, बस मालिक दे कोल समर्पित कर दो। हे दाता बस मैं तेरे चरणों समर्पित करता, हुण जो भावे सो तू करांगे। मेरे मालिक ने देखो किड्डी कृपा की है, मैं तुहानू वधाई दिंदा, मैनूं उम्मीद आ कि तुहानू जरूर खुशी हुई होगी जो तुसीं देख रहे होगे। पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी के नाम से पहला ब्लॉक शुरू होया, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाम से हॉस्पिटल मैडिकल सेंटर। और तुहानू मैं दसना चाहुंदा बहुत जल्दी जिवें पहला ब्लॉक आपां शुरू करता, अगले ब्लॉक का काम चलता पिया, बहुत जल्दी सिखां दा पहला मैडिकल कॉलेज जिहड़ा इस स्थान पर आऊगा। असी जदों भी कोई वादा किया उन्हें पूरा करके दिखाया, बस इंतजार करो थोड़े दिन होर, थोड़े महीने होर, इस तरह वीडियो पाऊगी और मैडिकल कॉलेज तुहानू दिखावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या बात है, मैं कहना कि यार सलाम है सिख नूं, ऐस सरदार नूं सलाम है, सलूट है साडा पाकिस्तानियां दा, साडे मुसलमानां दा सलूट है कि जिन्हां ने एडा वड्डा काम कर दिता, जिन्हां ने मतलब कि इन्हां दी आपां गल्लां सुनो, इन्हां दीआं गल्लां सुनो किड्डियां खूबसूरत तरीके दे नाल गल्लां करन दे आ। यार मैं कहना कि मेरे को कुछ अल्फाज नहीं है कि आपां ऐस सिख दे बारे, जिहड़े मजिंदर सिंह इस तरह करके इन्हों का नाम सीगा, यार मैं कहना कि एक कमाल दे इंसान है। इन्हों दे बारे ये चीज़ है कि अगर कोई बेगुनाह बंदा जेल से पहुँचा हो तो उन्होंने छुड़ाने वास्ते चल जाते हैं, मतलब जिते भी ज्यादती होंगी हो सिख जड़ा सानू वीडियो दिखा दिया
ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਤਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਬਿਲਿੰਗ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਜਾਏ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਰੈਫਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਰਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲੀਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲਟਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਲਟਾਓ, ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਲਟਾਓ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ VIP, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।